एक्ने, पिंपल, ब्रेकआउट, हाइपर पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो एंड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो कि आप कौन सी क्रीम को यूज करो, सीरम को यूज करो, जिससे कि आपकी स्किन डैमेज भी ना हो एंड आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, मैं आपको कहूँ कि आपको कोई जरूरत नहीं है हार्मफुल केमिकल्स को अपने स्किन पे यूज करने की। टू स्टेप फेशियल क्लीनअप शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में, जिसको आपको करना है जस्ट हफ्ते में एक बार। यकीन मानो महीने भर में आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर चीज का रिजल्ट पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि महीने भर में 100% ट्रीट हो जाएगा, बट हो सकता है कि 100% भी ट्रीट हो जाए, 50% हो जाए, लेकिन आपके स्किन पे डिपेंड करता है, आपके स्किन प्रॉब्लम की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितना रिकवर करेगा, बाकी आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी अपने स्किन को नेचुरली ट्रीट करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लीनअप का फर्स्ट स्टेप होने वाला है स्क्रबिंग, एंड स्क्रब बनाने के लिए हम यूज करने वाले यहाँ पे तुलसी पाउडर का। तो यहाँ पे मैं मेरे यू नो नीड के हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे ले लेना है तुलसी पाउडर एंड उसको मिक्स करना है हनी में। एक चीज़ का ख्याल रखो कि आपको प्योर इंग्रेडिएंट्स का ही इस्तेमाल करना है, एंड सिंपली इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने से हमारा जो है वो नेचुरल स्क्रब बन के रेडी है। ये स्क्रब जो है वो परफेक्ट है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, ये आपके स्किन को डीपली क्लीन करता है, प्योरीफाई करता है, क्योंकि हमने तुलसी का यूज़ किया है। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड साथ ही एंटी बैक्टीरियल, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, लाइक मैं गिना नहीं सकती, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वर्क करता है। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप होने वाला है, आपको सिंपली इस स्क्रब को अपने फेस पे मसाज करना है। स्क्रबिंग के बारे में मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको कभी भी स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करनी, ना ही बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ करनी है। नो स्किन पे दबा के अगर आप स्क्रब करोगे तो आपकी स्किन जो वो डैमेज भी हो सकती है। एक मिनट तक स्क्रब करने के बाद आपको सिंपली अपने स्किन को क्लीन वाटर से क्लीन कर लेना है, एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं फटाफट से हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ, जो कि होने वाला है फेस मास्क का, जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए तुलसी पाउडर एंड नीम पाउडर। 50-50 का रेशियो होगा, बाकी क्वांटिटी आप अपने नीड के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगभग आधे चम्मच के लगभग तुलसी एंड नीम पाउडर यूज किया है। दोनों ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग वर्क करते हैं, स्पेशली अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप स्क्रबिंग एंड मास्क दोनों चीज को फॉलो करो, बट अगर आपके पास यू नो स्क्रबिंग का टाइम नहीं है और आप उसको स्किप करना चाहते हो तो आप जस्ट इस फेस मास्क को भी यूज कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। चलो फटाफट से बनाते हैं उसे। तो उसको बनाने के लिए आपको लेना है आधे चम्मच तुलसी पाउडर, आधे चम्मच नीम पाउडर, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हनी। ये हमारे स्किन को नरिश करेगा, स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड इसके बाद हम रोज वाटर की हेल्प से यू नो इस तरीके से एक पेस्ट बना लेना है, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। एंड उसके बाद आपको सिंपली इसे अपने क्लीन फेस पे अप्लाई कर लेना है, लाइक क्लीन फेस इन द सेंस कुछ मेकअप और डर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप स्क्रबिंग कर रहे हो तो बेस्ट है, नहीं कर रहे तो फेस वॉश करने के बाद आप यू नो सिंपली इस फेस पैक को अप्लाई कर लो फॉर 10-15 मिनट्स। हफ्ते में 2 बार अगर आप इस फेस मास्क को यूज करते हो तो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, स्किन पे छोटे छोटे से दाने हो रखे हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ये बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। वीडियो के इस मोमेंट पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, लाइक अगर आपको इस स्क्रब एंड मास्क का पूरा बेनिफिट चाहिए तो एक चीज का खास ख्याल रखें कि आप जो भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक जो भी नीम पाउडर, तुलसी पाउडर एंड हनी, जो भी चीजों का इस्तेमाल हमने किया है, रोज वाटर, वो प्योर हो। लेकिन अगर आप प्योर इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको 100% बेनिफिट्स नहीं मिलने वाली, ये चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो ऑब्वियसली अगर आप चाहो तो आप होममेड तुलसी पाउडर यूज़ करो और यू नो नीम पाउडर यूज़ करो, जो भी चीज़ें हैं अगर आप घर पे बना के इस्तेमाल करना चाहते हो तो ऑब्वियसली कर सकते हो, बट एक चीज़ का ख्याल रखो कि वो अच्छे से छना हुआ हो, लाइक वो हार्श ना हो आपके स्किन के लिए, एंड साथ ही वो यू नो धूल मिट्टी ना हो उसमें, लाइक हाइजीन को थोड़ा सा मेंटेन करो अगर घर पे बना रहे हो तो। अदरवाइज आप चाहो तो आप मार्केट वाला भी तुलसी पाउडर यूज़ कर सकते हो, बट एक चीज़ का ख्याल रखो अगेन कि वो प्योर हो। मेरी बात करें तो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ नेचर श्योर के पाउडर्स का। अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हो तो आपको पता ही है कि मैं क्यों यूज़ करती हूँ, वो लाइक रैंडमली मुझे मिला था ये, बट ये एक इंडियन ब्रांड है एंड इसके प्रोडक्ट्स जो है वो 100% नेचुरल होते हैं, लाइक जेएमपी आईएसओ सर्टिफाइड ब्रांड है। ऑल्सो ये ब्रांड जो है वो अपनी शुद्धता का प्रमाण, ये मैंने पहली बार इस यू नो प्रोडक्ट में देखा, एंड ये आपको यू नो प्योरिटी का सर्टिफिकेट देता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एंड 290 रुपीज़ में आपको मिल जाता है 200 ग्राम तुलसी पाउडर, एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सिल्वर कलर के पैकेट में पैक होकर मिल जाता है तुलसी पाउडर, जिसमें आपको मिल जाता है हनी, एक प्लास्टिक का स्पून मिल जाता है, एक ब्रश मिल जाता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो इसका मास्क बनाने के लिए, साथ ही आपको छोटी सी बुकलेट भी मिल जाती है।
जिसमें आपको बहुत सारी यू नो यूजेस मेंशन है। अगर आपको पता नहीं कि आपको इस पाउडर को कैसे यूज करना है तो आपको इसमें बहुत सारे रेसिपीज मिल जाएंगी जिससे आपको हेल्प होगा इसको डिफरेंट वेज में यूज करने के लिए। एंड साथ ही ये तुलसी पाउडर जो है वो 100% प्योर है। ये चीज बिल्कुल भी मेरे कहने पे मत मानना, लेकिन आपको कुछ इस तरीके से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है इस पैक के अंदर, तो आप आराम से उसको तसल्ली से यू नो पढ़ के देख सकते हो। एंड बाकी जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आप डेफिनेटली डिफरेंस नोटिस कर पाओगे। सो मैं पर्सनली इस ब्रांड को यूज करती हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। क्यों करती हूँ आई एम श्योर अभी आप समझ गए होंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई रियली होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो।